नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों तुहानू सारे नू पता है कि भारतीय संविधान के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड जिहड़े एमसीक्यूज़ ने वह कवर किए हुए हैं। ध्यान नाल वीडियो में देख लो एंड राइट डाउन जरूर कर लो। तो सब तो पहले क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए, शुरू में संविधान सभा द्वारा पास किया गया संविधान में किन्ने लेख थे, किन्ने अनुसूचियां सी, मतलब किन्ने अनुसूचियां ते किन्ने आर्टिकल सी। तो उस टाइम की सी जो संविधान बन के तैयार होया सी 395 लेख सी ते 8 अनुसूचिया सी। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर दो की गल करिए, अज संविधान में किन्ने लेख ने। इतने दोस्तों थोड़ी जी गलती हो चुकी है, सेम हो चुके हैं, तो तुसी इस क्वेश्चन का आंसर की लिखना है याद रखियो, 448 आर्टिकल ने ते 12 अनुसूचिया ने। अज के टाइम अपने संविधान 448 आर्टिकल यानी लेख ने अते 12 अनुसूचिया। याद रखियो क्वेश्चन नंबर दो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, संविधान के आर्टिकल एक विच की लिखा होया है, जिहड़ा अपने संविधान का आर्टिकल 1 है उस विच सब तो पहले की लिखा होया है, स्टेट ऑफ यूनियन, मतलब भारत राज्यां दा एक संघ है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर चार की गल करिए, भारतीय संविधान के किस लेख विच नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 5 तो लैके 11 तक, मतलब आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, 10 ते 11 तक जिहड़े आर्टिकल ने उस विच अपनी सिटीजनशिप यानी नागरिकता बारे प्रावधान किया गया है। एक गल होर दोस्तों, जे तुसीं संविधान दे रिगार्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो, जिस विच सिर्फ इंपोर्टेंट ते एक्सपैक्टेड क्वेश्चन इनकलूड होणगे, जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुसीं सिर्फ 44 रुपीज़ विच यानी 44 रुपये विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के इंपोर्टेंट एंड एक्सपैक्टेड क्वेश्चन की PDF फाइल बाय कर सकते हो। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, भारतीय संविधान का किहड़ा लेख बुनियादी अधिकारां दा प्रबंध करता है। तो आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक जिहड़े आर्टिकल ने यह सारे अपने फंडामेंटल राइट्स बारे अपन दसदा है, यानी बुनियादी अधिकारों बारे अपन प्रबंधन करता है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, किहड़ा लेख नौकरियां विद्यक आधार विच रिजर्वेशन दिंदा है। तो आर्टिकल 16 है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम विच काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, याद रखियो जिहड़ा रिजर्वेशन हुंदा SC ST वास्ते वह आर्टिकल 16 की ही देन है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, किहड़ा लेख द्वारा छूत अछूत का खात्मा कर दिता गया। आर्टिकल 17 द्वारा छू अछूत का जिहड़ा खात्मा कर दिता गया है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, किस लेख द्वारा राष्ट्रपति के अहुदे लई होण वालियां चोणां लई योग्यता निर्धारित की जाती है। आर्टिकल 57 विच यह लिखा हुआ है कि जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसकी की एलिजिबिलिटी होगी और उस विच की क्वालिफिकेशन होगी। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, किस लेख विच भारतीय संविधान विच प्रेस की आज़ादी दी गई है। यह पिछले एग्जाम विच जो सब इंस्पैक्टर का एग्जाम होया सी उस विच क्वेश्चन पूछा गया सी, जिहड़ी प्रेस की आज़ादी है, मतलब कि न्यूज़ प्रेस रिपोर्टर होंदे ने उहनां नूं आज़ादी है, किहड़े आर्टिकल विच लिखा होया। आर्टिकल 19A विच यह पूरा सिस्टम इन्होंने दस्या होया कि प्रेस नूं की आज़ादियां ने। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, बुनियादी अधिकारों तहत किहड़ा लेख बच्चों के शोषण नाल संबंधित है। आर्टिकल 24 जिहड़ा यह बच्चों पर होने वाले अत्याचार या शोषण उस नाल रिलेट करता है, तो आपां नूं दसदा है कि जे बच्चे नाल कोई धक्का हुंदा जां शोषण हुंदा है तो आर्टिकल 24 के तहत की कार्रवाई हो सकती है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, भारतीय संविधान की किहड़ी धारा घट गिणती दे जात दे हितां दी राखी लई प्रबंध करता है। तो आर्टिकल 29 है, शड्यूल ट्राइब्स जातियां हुंदियां ने जिहड़े उन्हां वास्ते आर्टिकल 29 बनया है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट नागरिकां दे बुनियादी अधिकारां दी रक्षा करती है, किस लेख विच लिखा गया। आर्टिकल 32 विच लिखा होया, जे मतलब कि इंडियन सिटीजन ते कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसकी नागरिकता से कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वह नागरिक जो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी फाइल जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी हेल्प करेगी कि यह कितने आदेश दिए गए, यह आर्टिकल 32 विच आदेश दिए गए हैं। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, किहड़ा आर्टिकल राज सरकार नूं ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश दिंदा है। किहड़ा आर्टिकल राज सरकार नूं ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश दिंदा है, आर्टिकल 40 विच है। आर्टिकल 40 विच लिखा हुआ है कि जिहड़ी राज सरकार ने वह अपने एरिए ग्राम पंचायत की नियुक्ति करेगा।
इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, यूनियन की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी जिसकी वरतों उसके अधीन अधिकारी करेंगे, यह किस लेख में लिखा गया है? आर्टिकल 53 लिखा हो गया राष्ट्रपति को सारी शक्ति है बट यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कौन कर सकता? उस नीचे जिहड़ा प्रधानमंत्री होंगे उसको यूज़ कर सकता है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, किस लेख के तहत भारत के राष्ट्रपति दोषी ठहराया जा सकता है? आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति दोषी भी ठहराया जा सकता है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, संविधान की कौन धारा उपराष्ट्रपति के अहुदे लिए है? आर्टिकल 63 है जिहड़ा, यह उपराष्ट्रपति के अहुदा होना चाहिए है, अपने संविधान कहता है। आर्टिकल 6 के थ्रू कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का भी अहुदा होना चाहिए है, यह आर्टिकल 63 लिखा हुआ है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, संविधान की कौन धारा मंत्री परिषद के गठन के बेसिक नियमों का निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 75 जिहड़ा मंत्री परिषद होंगी है उस विच की कुछ इनकलूड होगा, की कुछ सिस्टम होगा उसका, सारा कुछ ये आर्टिकल 75 यानी आर्टिकल 75 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, किहड़े लेख विच भारत के अटर्नी जनरल की नियुक्ति नाल संबंधित है? याद रखियो ये भी काफ़ी बार एग्जाम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो आर्टिकल 76 यानी आर्टिकल 76 भारत के अटर्नी जनरल की नियुक्ति बारे प्रबंधन किया गया है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, राष्ट्रपति लोग सभा भंग कर सकते हैं, किस लेख में यह लिखा हुआ है? राष्ट्रपति है जो लोग सभा भंग कर सकता है, यह आर्टिकल 85 यानी आर्टिकल 85 इनकलूड है इस बारे कि राष्ट्रपति की शर्तों पर जी लोग सभा भंग कर सकता है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, संविधान का किहड़ा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जज को दोषी ठहराया जा सकता है? संविधान में यह आर्टिकल भी है कि जिहड़ा सज़ा सुनाउंदा है जज उस ते भी केस किया जा सकता है। आर्टिकल 124 आपां नूं यह राइट दिंदा है कि आप जे सुप्रीम कोर्ट का जज कोई गलत फैसला ले रहा है तो आप उसके अगेंस्ट भी फैसला कार्रवाई करवा सकते हैं। इस तों बाद क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट विच सलाह लै सकता है, किस लेख में यह लिखा हुआ है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज नाल सलाह कर सकता है, यह आर्टिकल 143 पूरा प्रबंधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट का न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस लेख में लिखी गई है? मतलब न्यायकरण की जिहड़ी शक्ति होगी वह सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट को होगी, यह किस आर्टिकल में इनकलूड है? आर्टिकल 32 इनकलूड है। दोस्तों किमें ना किमें रिलेट करके याद कर लो, आई नो याद करने ये आर्टिकल बड़े मुश्किल ने, तो करके रिलेट करके करो जिमें मर्जी करो, बट यह एग्जाम लिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। दो या तीन क्वेश्चन तो पक्के इस तरह के देखने को मिलेंगे जिस तरह के मैं तुम्हें इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, किस आर्टिकल के तहत अवशेष शक्ति केंद्र को है? मतलब कि ज़्यादा शक्ति केंद्र को है अपनी स्टेट को, घट शक्ति होंगी स्टेट राज्य को, ज़्यादा शक्ति नहीं होंगी सब तो ज़्यादा सेंट्रल को होंगी है, जिमें कि इस टाइम नरेंद्र मोदी को है। ठीक है, तो यह किस आर्टिकल में लिखा है? यह आर्टिकल 248 लिखा हुआ है। इस तों बाद क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, किस लेख के तहत भारत की संसद राज की बेनती तो राज कानून बना सकती है? मतलब जी संसद है अपनी सेंट्रल है वह राज्य कानून बना सकती है, अपना कानून बना सकते जिमें आप कह दें ना प्रेजिडेंट रूल लग गया वह चीज़ बारे गल हो रही है। तो 252 आर्टिकल में यह सारा कुछ मैनसन है। इस तों बाद क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, भारतीय संविधान के किहड़े लेख संसद नूं राज सूची के प्रबंध में कानून बनाने का अधिकार दिता है? तो आर्टिकल 49 यह सारा कुछ मैनशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, भारतीय संविधान के किहड़े लेख संसद नूं अंतरराष्ट्रीय समझौता से लागू करने लिए कानून बनाने का अधिकार दिता है? मतलब अंतरराष्ट्रीय जो आप आउट ऑफ इंडिया के किसी भी समझौते स्वीकार करते हैं या रिजैक्ट करते हैं वह कुछ नियमों के थ्रू होंगे जिहड़े कि आर्टिकल 253 लिखे हुए हैं। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, भारतीय संविधान के किस लेख में केंद्र राज के प्रबंधक संबंधा बारे दसा गया? तो आर्टिकल 256 लैके 263 जो केंद्र राज का प्रबंध किमें चलेगा इस बारे पूरी डिटेल मैनशन की गई है। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, किस लेख के तहत केंद्रीय सरकार राज सरकारों निर्देश दे सकती है? उही गल आ गई, नरेंद्र मोदी है जिहड़ा अपने पंजाब हरियाणा जिहड़ी भी भारत में स्टेट ने उन्हां नूं निर्देश दे सकदी है, हुक्म दे सकदी है, उह कि आर्टिकल
256 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।